C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। जल्द से जल्द मुनीषा को इस कमरे में लाना है। आज की रात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की रात कई राज से पर्दा उठेगा। पहला, मुनीषा के झूठ से पर्दा उठेगा और दूसरा फैमिली के दुश्मन का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। मनीषा कबूल करो ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसने तुम्हें ये रिंग दी है। हे मेरा बॉयफ्रेंड, ये जो रिंग है ना, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। पृथ्वी जी, शर्लिन, यहाँ पर हम करण को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ गायब हो गया और तू पता नहीं कुछ और ही बातें कर रही है। इससे पहले कि वो लोग रिकॉर्डिंग करवा के उसे सच उगलवा ले, हमें किसी भी हाल में मुनीषा को ढूंढना ही होगा। मैंने तुम्हें मोलेस्ट नहीं किया, समझी तुम? अब बताओ कि सच क्या है। कोर्ट में कुछ भी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को यहाँ वॉशरूम में एंट्री मारते हुए देखा है। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? ये मेरे करीब आ रही थी, मेरी इज्जत टूटने की कोशिश कर। I don't believe it. वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? मुनीषा, तुम्हें याद है कि तुम्हें ड्रिंक किसने दी थी, किसने पिलाई थी तुम्हें? मैंने। मैंने अपनी औकात में रहना, वरना वक्त आने पे औकात दिखाते मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी औकात। अगर इनकी शादी हमारे घर में हो जाती तो सोच तेरा कितना ख्याल रखते हैं। मुझे उसको ना रंगे हाथों पकड़ना था, वो मोनिशा के साथ रेड हैंडेड। ओह, पकड़ लिया फिर रेड हैंडेड। देख, हमारे पास ना हमेशा दो ऑप्शंस होते, या तो हम झगड़ा करके बैठ जाएं, या हम पीछा कर। अब अगर तू मोनिशा के सामने ही नहीं आती, उसके अंदर जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो करती, तो क्या पता तुझे पता चल जाता वो कहाँ जा रहा, उसका घर कहाँ है। हमारे हाथ कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगती। तो मैंने भी इसका चेहरा देख लिया है और मेरे कैमरे ने भी। अब ये जंगली बिल्ली की खैर। अच्छा चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत हो गया। तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे पता, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। चलो अरे रुक जा छछुंदर, अभी तुझे कैमरे में डाल के इस मोनिशा का सबूत बनाती हूँ। अब मिला ना मुझे सबूत ये मोनिशा के खिलाफ। अब तो मैंने भी इस लड़के का चेहरा देखा है और मेरे फोन ने। अब इस जंगली बिल्ली की खैर। सृष्टि, यू आर द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। तुझे तो बेस्ट जासूस का अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं, एक मिनट। अगर मैंने ये पिक्चर किसी को दिखा दी और किसी ने मोनिशा से कन्फर्म कर लिया तो मोनिशा तो बड़ी शातिर है, वो तो इजीली बोल देगी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, उसके साथ जा रही थी। अब मैं क्या करूंगी यार। कौन कॉल कर रहा है यार? शर्लिन बेबी।
ये जब तक मेरे दिमाग की भुर्जी नहीं खाती ना तब तक इसे चैन ही नहीं आता। हाँ बोलो बेबी। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि मैं प्रीता जी के साथ रोमांटिक कॉफी डेट पर गया हुआ था। पहले हमने कॉफी पी, उसके बाद प्रीता जी ने मुझे हग किया और फिर मैंने प्यार से उन्हें किस किया। अरे मूर्खों की महारानी, ऐसा तो नहीं कर रहा था ना मैं, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं कोर्ट में था, कोर्ट में जज मेरे सामने था, मैं जज को देख रहा था, कोई पिक्चर नहीं देख रहा था कि तुम्हारा कॉल आया और कॉल रिसीव कर लिया मैंने। सुन लिया कि क्यों नहीं रिसीव किया? अब सुनाओ क्यों कॉल किया। हाँ गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोर्ट में हुआ क्या, और मैं ये भी जानना चाहती थी कि क्या तुमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मोनिश और ऋत्विक को दे दी क्या? प्रॉपर्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जान है जो ओवर स्मार्ट मोनिशा के निशाने पर है, और कोर्ट के फैसले के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सूली पर लटक चुका हूँ। क्या हुआ कोर्ट में? अरे कोर्ट में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जज भांग की गोली खा कर आया हुआ है, मतलब कुछ भी फैसला सुना दिया उसने। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं लड़की पर कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा है, कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है, कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है ताकि वो इस केस से विड्रॉ कर ले। सनी जो है वो बच्चा नहीं है, डिस्कस करता रहता है मुझसे, वो तो गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा है। तो मैंने उसे कहा कि जितने गर्लफ्रेंड चाहिए उतने बना लो, एक को छोड़ के। इसे छोड़ दो। वो जो मुझे सुपरमैन बुलाती, और तुम्हें सनी के गुड बुक्स में आना है ना, तुम जाकर बोल दो सनी को कि तुम चक्स की फुग्गी हो। तीन दिनों के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और हम उसकी शादी अथर्व के साथ करवाएंगे। I'm sorry अथर्व, कल सबके सामने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मैं अब अपना प्यार और नहीं छुपाऊंगी अथर्व। I'm sorry अनुप्रिया, पर सच यही है, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। ये क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष, या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान। कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर? आखिर तुलिका ने मीरा के साथ क्या किया? क्या तुलिका मीरा को मारकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? और वही खीर उस लड़की को खिला दो, अगर वो खीर खा के उस लड़की ने उल्टी कर दी तो समझ लेना वही डायन है। मेरे दादा आएंगे, वो मुझे छुड़वा देंगे और फिर हम दोनों मिलकर उस लड़की को भी छुड़वा देंगे। आज की पूरी रात रुखसार तुम्हारी आगोश में गुजारेगी कभी, और कल सुबह का सूरज निकलने से पहले हम दोनों एक साथ इस शहर में मिले हुए शरबत को पीकर मौत की आगोश में चले जाएंगे। क्यों वेदिका जी, क्यों किया आपने ऐसा? वेद आपका और मेरा बेटा है, ये सच क्यों छुपाया मुझसे? अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। चली जाऊंगी मैं, बस मुझे वेद लौटा था। साहिल दरवाजा खोलो। भूमि मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। एक बात सुनो प्लीज। भूमि